Yes, I'm back. Welcome back, my friends. स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल दिवस शेयर्स में. सो आज के शेविंग डेमो की शुरुआत करें तो लास्ट वीडियो में आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको लादरिंग और फ्रेग्रेंस का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था इस पर्टिकुलर सोप बटरफ्लाई गार्डन सोप से और जिंजर एंड मेंथल प्रीमियम क्वालिटी हैंडमेड आर्टिसन सोप है ये. तो इसके बारे में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था आपको फेस लादरिंग और उसी के साथ बोल लादरिंग में और इसका बताया था कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को लगा था इसका स्पेशली स्लिकनेस के मामले में. तो आज एक शेविंग डेमो से देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्म करता है. तो आज का शेविंग टूल एक छोटा सा रेजर और टच करने पे इसको छूने से इसकी फीलिंग बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी से आती है. फिट फिनिश इज फैंटास्टिक. सो एज यू कैन सी शेविंग हेड वेरी सिमिलर शेविंग हेड पर्ल का क्लोज कोम्ब रेजर है ये और इसकी टोटल लेंथ है ऑलमोस्ट 3.25 इंचेस या 3.15 इंचेस के करीब इसकी लेंथ है और इसका जो वेट है वो है 67 ग्राम. और ये इसका जो हैंडल है इट्स नॉट दैट हेफ्टी जैसा L55 में है हेफ्टी. ये थोड़ा सा स्लेंडर है बट नर्लिंग बहुत ही क्लास क्वालिटी लर्निंग है और यहाँ पे इस तरह से रिंग्स दिए हैं उन्होंने ब्यूटीफुल रिंग्स क्रोम प्लेटेड. और पूरा का पूरा रेजर जो है इट इज ये ब्रास का रेजर है बट ऊपर ऑफकोर्स इट्स अलॉय जिंक अलॉय नीचे खालिस ब्रास जिसके ऊपर इन्होंने क्रोम की प्लेटिंग की है. तो वेट इसका जो है कंपैरेटिवली लेस है बट लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स. और आज जो हम ब्लेड यूज करेंगे इट विल बी विनर. अब इसका मैं पहला जो है अपना रिव्यू दूंगा विनर. दिस इज बाय जिलेट एंड स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स एंड यू कैन सी सचिन तेंदुलकर ने भी थम्स अप दे दिया है तो आप भी मेरे को जरूर लाइक दे दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो. सो ये जो है 5 ब्लेड का पैक है 9 रुपए का आता है. सो जल्दी से पहले इसमें ये बिना के ब्लेड को मैं लोड कर दूं. सो यू कैन सी दिस इज द रैपर. सो बिना बाय जिलेट स्पेशल स्टील 3-पीस रेजर है ये. सो यू कैन सी एज यूजुअल थोड़ा सा आपको अगर देखोगे तो ओवरहैंग नजर आ रहा होगा ये आपको एंड यू कैन सी द प्लेट कैप. सो आई थिंक इट इज माइल्ड टू मीडियम एग्रेसिव. सो लेट्स सी हाउ दिस रेजर परफॉर्म्स टुडे. बट फिट फिनिश बहुत ही अच्छा का है और ये फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है इसकी ग्रिप की. इट्स अ लिटिल बिट स्लेंडर हैंडल एज पर माय टेस्ट अ लिटिल बिट स्लेंडर बट ओवरऑल द डिजाइन इज फैंटास्टिक ऑफ दिस हैंडल. और पोस्ट शेव में वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड हर्ब का जो मैं यूज करूंगा आफ्टर शेव लोशन कह लो या बाम कह लो बाम कहते हैं ज्यादा अच्छा है. एंड ऑफ कोर्स टुडे बिकॉज पर्ल का जो रेजर है तो इसी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे आज हम पर्ल के ही सिंथेटिक ब्रश के साथ जिसको मैंने भी डाल दिया. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आज की जो मेरी बियर्ड है वो 2 दिन पुरानी है या मैं कहूं 2.5 दिन पुरानी है. सो दिस इज बटरफ्लाई गार्डन मेंथल एंड जिंजर सोप. Squeezing out all the extra water. Let's create the lather.
दोस्तों कल ऑलमोस्ट 5-6 महीने के बाद मैं अपने परिवार के साथ एक लंबी ड्राइव पे गया एंड द ड्राइव वॉज टूवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू मूर्ति। और ये हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट 130-150 किलोमीटर के आसपास दूर है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड केवड़िया कॉलोनी। सरदार जो डैम है उसी के पास ये स्थित है और एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट हो चुका है। बट बिकॉज ऑफ कोविड आई and my family took all the precautions, so we remain in the car. It's just a long drive and we return back. We didn't even enter that premise of this statue. तो दूर से हम इस statue के दर्शन करके आ गए। But long drives जो होती हैं car में वो बहुत ही stress busting होती है, वो आपको de-stress कर देती हैं। तो पिछले 2-2.5 महीने का जो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही थी हमारे यहाँ वो ऑलमोस्ट डाइल्यूट हो गई बिकॉज ऑफ दिस। और बाकी की स्ट्रेस तो ये दूर करता है शेविंग। सो एज यू कैन सी लवली लादर, ठंडा ठंडा लादर क्रिएट हो चुका है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कई सारे मेरे सब्सक्राइबर मित्र पूछते हैं कि सर आप इतनी लंबे समय तक लादा क्यों अपना ऐसा करते रहते हो, क्योंकि कुछ विदेशी चैनल्स में वो फटाफट सोप में ऐसा स्वर्ल करते हैं और फटाफट फटाफट उनके जो ब्रशेस होते हैं उससे वो अप्लाई कर देते हैं, ज़्यादा लादा नहीं बनाते। तो मैंने कहा यार ये उनकी चॉइस है, प्लस उनके जो ब्रशेज होते हैं वो बहुत ही हाई एंड क्वालिटी के होते हैं, मेजर ब्रश जो कि 8 से 10 हज़ार तक के बिकते हैं, और हम बेचारे इन सिंथेटिक इन ब्रश को यूज़ करते हैं। तो और दूसरा क्या होता है कि एक अच्छा एक यू नो वाइल लादरिंग यू कनेक्ट विद योरसेल्फ। अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मगर लादा बनाते बनाते एक अलग ही एहसास, दिव्य एहसास होता है और ऐसा नहीं लगता कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको एक माइंडफुल स्टेट हो जाती है, यू रिमेन इन दैट पर्टिकुलर स्टेट वेयर यू रियली एंजॉय यू नो लादरिंग ऑन योर फेस। इट रिमाइंड्स यू ऑफ योर गुड ब्यूटिफुल चाइल्डहुड डेज। बचपन में नहाते हुए आपने कभी किया है, नंगों पंगों हम नहाते थे और बालों में हम साबुन लगाते थे, तो कभी वो मिरर के सामने आपने ऐसी चोटी वोटी बनाई है साबुन से। तो ये सब चीज़ें एक ऐसा एहसास होता है, एटलीस्ट मेरे को तो होता है। तो मेरे को बिल्कुल भी लादरिंग करना बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता। दूसरा कंटिन्यूस लादरिंग से आपके जो विस्कर्स होते हैं, आपकी जो बियर्ड होती है काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं तो फोमिंग जेल्स और कैंस है यार, लगाओ और फिर वही कर दो। एनीवे, वेट शेविंग गिव्स यू लॉट ऑफ स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन प्रोवाइडेड यू आर नॉट पुटिंग योर सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ यू नो एडवेंचर। सो आई थिंक दैट्स इनफ। थोड़ा सा मैं पानी डाल के लादर को हल्का सा मॉइस्चराइज, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, लादर को हल्का सा डाइल्यूट कर देता हूं। सो दैट्स इनफ। मस्त कूलिंग छेज, गुजरात में ये मस्त वर्ड बहुत यूज होता है। तो जब मैं नया नया आया था तो मैंने कहा हर चीज में मस्त है यार, और उसमें गाना भी चल रहा था एक जो तीज बड़ी है मस्त मस्त गाना है वो। एनीवे, तो यहाँ पे मस्त हर चीज, क्या दाल बनाई यार, मस्त दाल छे। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्ल SSH05 रेजर फर्स्ट पास। और इस ब्लेड का आज पहला इस्तेमाल हो रहा है, विनर्स का स्टेनलेस स्टील ब्लेड, सिंपल ब्लेड है ये। लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। फर्स्ट पास विद द ग्रेन,
तो ऑडियो फीडबैक आपको अच्छा आ रहा होगा इसका। पूरा चेहरा जो है अभी कूलिंग सेंसेशन से भर गया है मेरा, एक्सप्लोजन ऑफ कूलिंग ऑन माय फेस। इट्स अ ग्रेट रिप्राइव यू नो ऑन दिस यू नो हॉट सल्टरी एक्सट्रीमली ह्यूमिड डे, ब्लिस्टरिंग हॉट। इसे कहते हैं जबरदस्ती की शेखी बदारना वोकैबुलरी के मामले में। तो यस, यहाँ पे हल्की हल्की सी स्टबल है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। चलिए सेकंड पास की तरफ बढ़ते हैं। तो रेजर अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट, और इसका हेड आई थिंक सिमिलर ही है, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है L55 या दूसरे जो क्लोज स्कोप रेजर होते हैं बल्ब के। बट हेफ्टीनेस जो है, थोड़ा वेट मेरी लाइकिंग से थोड़ा सा कम है, बट इट इज स्टिल परफॉर्मिंग वेल। नेक एरिया आई एम गोइंग एज यूजुअल अगेंस्ट द ग्रेन। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी स्मूथ रिजर्व, नो डाउट अबाउट दैट, इट इज नॉट एट ऑल
एग्रेसिव, एग्रेसिव के मामले में, अग्रेसिवनेस के मामले में उसको 4 दूंगा 10 में से। अच्छा ब्लेड है, अच्छा सॉरी रेजर है। ब्लेड के बारे में थोड़ी देर में बोलता हूँ। सो हेयर ऑलमोस्ट सुपर स्मूथ, बट यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल मैं महसूस कर रहा हूँ। इसको वेस्ट क्यों करना यार, इतना प्रीमियम सोप है। सो थर्ड पास में भी देखिए कितना सोप, सॉरी कितना लादर है अभी। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस सोप इज वेरी स्लिक। That's it. Let me wash my face. एलम की कोई भी जलन महसूस ही नहीं हो रही है। इट मे बी बिकॉज ऑफ द कूलनेस ऑफ दिस सोप। सो अगेंस्ट द ग्रेन मैं आज नहीं चला फेस पे, ज्यादा मैं चलता भी नहीं हूं यहां पे एज यूजुअल चला। सो इट्स सुपर सुपर स्मूथ शेव, सुपर स्मूथ, टोटली सेटिस्फाइड। एंड दिस सोप इज एक्सट्रीमली गुड ड्यूरिंग this kind of, you know, climate or I should say environment where there is a lot of heat, humid, तो आपको काफी ठंडक देता है। तो एक तरह से आज की शेयरिंग की जो थीम हो गई वो ठंडक, कूलनेस हो गई। I am thoroughly satisfied, fantastic. So एक लोशन को अप्लाई कर लेते हैं and it has menthol, witch hazel and tea tree oil. आई होप यस टी ट्री ऑयल सेक्रेट अर्थ का वन ऑफ माई फेवरेट्स, तो ये भी काफी ठंडा एहसास देता है। वाओ फैंटास्टिक, वेरी नाइस। चलिए फाइनल पार्ट, थोड़ा सा सॉरी ज्यादा नहीं लूंगा, हल्का सा। और ये मेरा टॉप 3 में आने वाला पोशेव बाम है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, ऑयली नहीं है। और जब आप अप्लाई करते हो, ऐसे स्मेयर करते हो फेस पे, 30 सेकंड के बाद पूरी तरह से 30-40 सेकंड के बाद अब्सॉर्ब हो जाता है और एक हल्की सी मध्यम मध्यम स्मेल हो जाता है और हल्की सी कूलनेस देता है, न ज्यादा न कम, जितनी आपको चाहिए उतनी। एंड यू फील सो ब्लेस्ड अबाउट योरसेल्फ, आई एम टेलिंग यू। ये जो एनहर्ब है ये एक आपको ब्लिसफुल स्टेट में ले आता है। इनके हिसाब से इसमें सैंडलवुड भी है, मगर इसमें स्मेल सैंडलवुड की जैसी आती नहीं है, मगर जो भी स्मेल है वो बहुत अच्छी है यार। और क्या कहूँ यार,
शानदार प्रोडक्ट है। बहुत सारे विदेशी ब्रांड को ये लात मार के भगा सकता है। मैं बड़ा हम्बल है, कभी लात नहीं मारता है, कभी अपने को प्रोजेक्ट भी नहीं करता। बहुत ही अच्छा है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। सो इसको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। वेस्टर्न कम्युनिटी के लोग इसको जानते हैं, चुपचाप शांति से मंगाते हैं और इसको यूज़ करते हैं। तो मेरे ट्रैवलर्स पैक में जब भी मैं कभी यात्रा करता हूँ तो ये मैं ज़रूर रखता हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट्स। ऐसी ऐसी चीज़ें जब यूज़ करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। यस आई एम टेलिंग यू। सो ये था दोस्तों आज का शेविंग डेमो, जिसमें जो फोकस था आज वो ये रेजर SSH05 बाय पर्ल। माय रिकमेंडेशन, गो फॉर इट। अगर आपको मीडियम से माइंड से मीडियम एग्रेसिव लेवल के रेजर चाहिए और बहुत भारी एफटीडी चाहिए और छोटे रेजर चाहिए ट्रैवलिंग किट में डालने के लिए चाहिए, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हो। वेट इसका मेरी लैकिंग के हिसाब से थोड़ा सा कम है, तो आउट ऑफ 5 आई कैन इजिली गिव इट 4 व्हेन इट कम्स टू फिट, फिनिश, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। फंटास्टिक जॉब बाय पर्ल इंडस्ट्री, क्यूडोज टू यू। विनर्स, बहुत उम्मीदें मत रखना। दो शेव मेरे हिसाब से अच्छे से निकालेगा और जो निकालेगा खालिस निकालेगा। 3, 4, 5 अगर आप निकालने हो तो मुझे इससे उम्मीद कम है, मगर आज जो इसने मेरे को जो शार्पनेस में इतना नहीं है मगर स्मूथ शेप दिया है मेरे को। इसका एक मिरर का एक इसका थोड़ा सा प्रीमियम वाला आता है वो भी मेरे को लगा, मगर उससे एक क्वालिटी थोड़ा नीचे लगा मेरे को। सो जिलेट का है, प्रीमियम ब्रांड तो है ही है, यू कैन बाय इट, नो डाउट अबाउट दैट। एंड सो रम्या जी, थैंक्स अ लॉट फॉर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल प्रोडक्ट अगेन। तो मैं इसको बार बार यूज करता रहूंगा और बार बार आपसे मैं इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदते रहूंगा। थैंक्स फॉर क्रिएटिंग दिस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई गार्डन सोप्स। तो अगर आपको मेंथल से कोई एलर्जी नहीं है, जिंजर की स्मेल को आपको लाइक करते हो, तो वेट क्या कर रहे हो दोस्तों, बाय इट। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके। एंड ऑफकोर्स इसके बारे में नहीं बताया मैंने, पर्ल का एज यूजुअल सिंथेटिक ब्रश, इट क्रिएट्स ऑलवेज क्रिएट्स वंडरफुल लादर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू फॉर योर फ्यूचर। इफ यू आर यंग एंड यू वॉन्ट टू डू समथिंग यू नो बिगर फॉर योर लाइफ, सो मुश्किल का टाइम है तो ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू करिए और अपने गोल्स को करेक्ट बिल्कुल भी साइड में ना रखिए, फोकस रहिए, परिवार वालों का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और शेविंग के मज़े लेते रहिए। तो मैं एक बहुत ही सुरीले गाने से आज का वीडियो बंद करूँगा, और अगर आपको ज़्यादा सुर में लगे तो जूते, चप्पल और अंडे मत मारिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे, सुनिएगा जरूर। शेविंग पे बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे, बाकी क्या बोलना चाहिए इसका समझ नहीं आ रहा है, प्यार करूं या न करूं, मतलब प्यार किसको, शेविंग को। तो आई ऑलवेज यू नो कन्वे माय मैसेज टू माय वीडियो दैट शेविंग इज नॉट अ रूटीन, इट शुड बी टेकन एज अ ब्लिसफुल experience which helps you in connecting with yourself. और अपने से आप कनेक्ट हो गए तो ऊपर वाले खुदा से तो आप कनेक्ट हो ही गए। बहुत फालतू की बकवास कर रहा हूँ, मगर फिलोसफी में दम है, तेरा सोचना हो। बाय देन, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद।